बाध्यो बन निध नीर निधि जलधि सिंधु बारीश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयो नदी। क्या कहती हूं बांधियो, क्या सत्य है? समुद्र का इतना तीव्र प्रवाह उछाल कैसे पत्थर रुका? एक रुक गया, इतने पत्थरों को जोड़कर कैसे बधा? समुद्र तो रुकते ही नहीं। रावण ने देखे, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तो यदि कम पति उदधि पयो धीन। आश्चर्य हो रहा, यहां रावण झटका है क्या? इसका मतलब ये राम नर नहीं, राम नर श्रेष्ठ परमात्मा है। घर गया, यही बात मंदोदरी मैया उनको समझाती। जानना अलग विषय है, और जिसको हम जान रहे हैं उसको विश्वास पूर्वक मानना मित्रों एकदम अलग विषय। जानिए तो मानिए, लेकिन अध्यात्म कहता है मानोगे तभी जानोगे, विज्ञान कहता है आओ इसका पता लगाएं, पहले जान लो फिर मान लेना। अध्यात्म ये नहीं कहता है, भक्ति ये नहीं कहती है, भक्ति कहती है मानो। क्या मानो? भगवान हैं। कहाँ हैं? सब में हैं। ये भक्ति पथ है, अध्यात्म पथ है, धर्म पथ है। धर्म पथ में मानने से जीव जान जाता है। जो मान लेगा वो बोध प्राप्त कर लेगा, वो जान जाएगा। गरुण जी महाराज माने नहीं, बहुत भागना पड़ा। समय रहते जो मान ले वो जान जाएगा। मानना क्या है? अतः प्रभु को मानना है, प्रभु को ही मानना है। भगवान शिव मान लिए हैं तो दिन रात एक रस में रहते हैं। जीवन में किसी को आपकी बात समझ में न आए तो उसको कहिए थोड़ा कथा सुनो। भगवान की कथा सुनो, आपके समझ में सब आ जाएगा। तो निश्चित कथा अच्छे अच्छे को समझा देती है, जगा देती है कथा, जीवन के वाद्य को बजा देती है कथा, बड़ा सुंदर स्वर निकालती है ये कथा, सब कुछ संवार देती है, संवार देती है। विवाह हुआ भोले बाबा का, सती अम्बा का स्वभाव जानकर शिवजी गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज को वचन दिए थे कि हम मिलेंगे सती जी को लेकर त्रेता युग में, कथा श्रवण करने पधारे। ऋषिदेव ने स्वागत किया बाबा कैलाश से, उत्तर से दक्षिण पहुंचे कथा श्रवण करने, पूजन किया, कथा प्रारंभ हो गई। बोले बाबा बोले ने,
हम नीचे बैठते महाराज आप यहाँ ऊंचे आसन पर आइए, तभी कथा समझ में आती है, प्रारंभ हो गए। राम कथा मुनि भर जब खानी सुनी महेश परम सुख मान, कहत सुनत रघुपति गुन गात कछु दिन तहां रहे। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी। कथा के बाद दक्षिणा का विधान है, राम भक्ति भेंट किए भोले बाबा अगस्त महाराज को, विदा लिए हैं, मां के संग में चल पड़े। भगवान रणांगण की लीला के पूर्व अरण्य कांड में वन लीला अरण्य लीला कर रहे हैं। अब अरण्य में लीला क्या भई, अब तो मां का प्रभु ने हरण करा दिया है प्रतिबिंब का, और उनको ढूंढते भी फिर रहे। भगवान शिव को उनकी लीला पर हंसी आ गई। सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा की जय हो जय हो जय हो, जय बोल के चल पड़े। सती मैया को भ्रम हुआ, शंकर जी तो जगत के ईश हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, राजपुत्र को वैसे प्रणाम क्यों करते हैं। भगवान शिव ने बहुत समझाया, मां के समझ में नहीं आया, तो बाबा ने कहा यदि आपका संशय इतना ही प्रचंड है तो जाकर प्रभु की परीक्षा ले लीजिए। हाँ आती हूं। बाबा सोचने लगे कि मेरे कहने पर भी यदि संदेह नहीं दूर हो रहा है तो लगता है राम जी की कोई और लीला है। श्रेष्ठ की, मंत्र की, ग्रंथ की, संत की, सदगुरु की कोई परीक्षा नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। कुंती मियां ने इसका परिणाम झेला, अपने को नहीं करना। पौराणिक कथाओं में क्या वर्णन है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, यही पौराणिक कथाएं हैं। जैसे प्रमाण देखिए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और कौन कौन बलशाली योद्धा दुर्योधन के साथ में थे, तथापि शकुनी ऐसा बुद्धिदाता महामंत्री होगा तो कौरव वाली स्थिति होने में कोई संदेह नहीं है। स्थिति कौरव की होगी होगी, और भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा होगा, मार्गदर्शक होगा, तो पांच होकर भी पांडवों जैसी विजय प्राप्त होना निश्चित ही है। सखा कैसा, मार्गदर्शक कैसा, आ तो श्री कृष्ण जैसा, शकुनी जैसा नहीं। किसकी बुद्धि माने, किसकी सुने, इसका विवेक करना। पांडव लोग भी कोई कम लीलाधारी नहीं थे, क्या आवश्यकता थी जुआ खेलने की। चलो अपने हार गए, द्रौपदी मैया को लगाने की क्या आवश्यकता, जब हारे हुआ आदमी कैसे लगा सकता है। और तो हार गया तो साथ में पत्नी भी हार गया, नहीं नहीं माने। और भगवान कृष्ण तो क्या कहना। तो दो बातों का स्मरण रहे जीवन में, दुर्योधन जैसे लोगों से सावधान, जो सत्य का दर्शन न कराकर झूठ में उलझाता हो उससे बचना चाहिए। और जिस आदमी के बारे में चार आदमी कहें भाई देखिए आदमी आपके पीछे पड़ा है इसे पिंड छुड़ाइए, तो चार का सुन करके छुड़ा ही लेना चाहिए। कितना भी हितैषी हो, चार लोग क्यों कहेंगे।
और सत्य जहां सन्मुख है वहां भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रकाशक हो, मार्गदर्शक हो सकाओ, तो उनका साथ करना ही चाहिए, जो पांडवों ने किया। अस्तु, विजय श्री मिली और यज्ञ संपादित हुआ, राज युधिष्ठिर को प्राप्त भया इंद्रप्रस्थ का।